अभिवादन स्वीकार कीजिए। नमस्कार। एनबीएन हिंदी की खास पेशकश राजनीति। हमारे साथ में राजस्थान में बीजेपी के उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया है। जल्दी ही राजस्थान में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। 2024 में मोदी अभी से प्रचंड है। पंचारिया जी, बीजेपी के क्या हाल है? देखिए, जहां तक आप भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो बीजेपी निश्चित तौर पर 2023 राजस्थान पहले आएगा, वहां भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री 100% मिलने वाली है। और 2024 का जहां तक सवाल है तो देश और दुनिया ने कल ही देख लिया, 10 तारीख को प्रधानमंत्री जी ना का जो वक्तव्य लोकसभा में आया और उससे स्पष्ट हो गया कि हिंदुस्तान की जनता प्रधानमंत्री जी के साथ है और विपक्ष नाम की कोई चीज ही नजर नहीं आई। अरे, जो मैदान छोड़कर सर्वोच्च सदन से भाग जाते हैं तो वो क्या मैदान में जनता के बीच में आएंगे। इसलिए 24 में नरेंद्र भाई मोदी जी का पुनः प्रधानमंत्री बनना निश्चित है। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेके काफी बयान आते हैं, काफी बातें सामने आ रही है, कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से एक बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी, पत्रकार बंधु भी पूछते हैं कि साहब आपका प्रत्याशी कौन होगा, जगह भी जगह जहां भी मैं जाता हूं बात पूछे, हम कहते हैं भैया हमारा प्रत्याशी घोषित है। भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, 365 दिन 24 घंटे चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कमल है, कमल ही भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है, तो कमल पर वोट पड़ता है और चुनाव पार्टी लड़ती है। इसलिए हम कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो संसदीय दल है जो चुनाव के पश्चात और तय करेगा कि कौन भारतीय जनता पार्टी का सीएम हो। विरोधी ये कह रहे हैं कि बीजेपी के पास में सिर्फ और सिर्फ मोदी जी एक चेहरा है। अगर मोदी जी की बात करें तो कर्नाटक में बीजेपी ने मोदी जी को आगे रखकर चुनाव हार गए। देखिए, ये विरोधियों का जहां तक सवाल है, मैं याद दिलाना चाहूंगा, जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, जब विपक्ष से साफ कहता था कि अटल जी के सिवाय भाजपा के पास कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसके अंदर हर कार्यकर्ता हमारा नेता है और हर नेता भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। इसलिए नरेंद्र भाई मोदी हमारे आज की तारीख में केवल भाजपा के ही नहीं, केवल देश के नहीं, दुनिया के सर्वोच्च नेता और नरेंद्र भाई मोदी है। हमें गर्व है कि भारत को ऐसा प्रधानमंत्री और भाजपा को हमारा ऐसा और नेता मिला है। बीजेपी में पूरी बीजेपी मोदी जी को आगे रखती है, गुणगान करती है, आपकी नजदीकियां कब से है मोदी जी से? देखिए, मोदी जी बीजेपी नहीं करती जी, विपक्ष भी, बहुत से विपक्षी, क्यों मैं ये जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं, मैं राज्यसभा में था, विपक्षी दलों के बहुत से सदस्य, सदन की बात अलग है लेकिन जैसे हम बाहर आते या सेंट्रल हॉल में बैठते तो वो भी अपने मुंह से कहते कि वास्तव में कमाल है भाई आपके, मोदी जी तो मोदी जी है। इस तरह की बातें मैंने सुनी, केवल देश ही नहीं, मोदी जी की प्रशंसा पूरे दुनिया में है और तो और विभिन्न देशों के राष्ट्र अध्यक्ष भी मोदी जी की प्रशंसा करते हैं। बड़े उस दिन बड़ी प्रसन्नता हुई कि आपको पता है मोदी जी को एक स्वतंत्र देश का प्रधान चरण स्पर्श कर रहा है, मिस्टर बाइडेन आके पीछे से कहता है मुझे भी ऑटोग्राफ दे दो, मैं भी यहां हूं। इसलिए भारतवासियों को गर्व होना चाहिए कि एक अद्भुत चमत्कारी नेता भारत के अंदर है, उसका नाम है नरेंद्र भाई मोदी। राजस्थान में बीजेपी भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाने जा रही है? मुद्दा बनाने नहीं, मुद्दा है, बीजेपी नहीं बना रही है, ये मुद्दा आम जनता ने बना दिया। क्यों क्यों बना दिया उसका मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। राजस्थान में 2018 में कांग्रेस ने जनता को धोखा देकर, झूठ बोलकर, और राहुल गांधी सहित पूरी पार्टी ने आकर के जनता के बीच में, जनता की अदालत में झूठ बोला,
एक तरह से दुष्कृत्य किया जनता के साथ में, पाप किया, और ये कहा किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, ये भी कह दिया कि आपका बेरोजगारों को भत्ता दे देंगे, सब कुछ वादे किए, कोई वादा पूरा नहीं। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने मात्र कोई काम किया तो एक मात्र काम किया, अपनी कुर्सी को कैसे बचाए हैं। और पार्लियामेंट्री विधानसभा के अंदर तो कुछ हुआ ही नहीं, होटलों के अंदर और चलता रहा, आपसी खींचातान के चक्कर में एक एक एमएलए को मुख्यमंत्री बना दिया। राजस्थान के अंदर कांग्रेस के सभी विधायकगण, उनके हालात और सब विधानसभा में जाके पूछ लीजिए, सिवाय लेन देन बिना पैसे के कुछ नहीं। और भ्रष्टाचार की तो पराकाष्ठा तब हुई जब सचिवालय की अलमारियां सोना उगलने लगी, सचिवालय से करोड़ों करोड़ों रुपये मिलने लगे। अब ईडी जांच कर रही है ना, अब पोल खुल रही है, सब लपेटे में आएंगे। और तो और कांग्रेस के मंत्रियों ने आरोप लगाने शुरू कर दिए, और तो लास्ट में आते आते एक लाल डायरी और आगे, उससे और खुलासा हो रहा है। इसलिए हम नहीं, मुद्दा आम जनता ने बनाया है, मुद्दा कांग्रेस ने ही स्वीकार कर लिया है, इसलिए यह महाभ्रष्ट कांग्रेस सरकार 100% जाने वाली। लाल डायरी का जिक्र किया आपने, राजस्थान में रोजगार का जिक्र किया आपने, कांग्रेस ने ये वादा किया था, बेरोजगारों की क्या गत हुई राजस्थान में? देखिए, सबसे बड़ी और शर्म की बात ये कि आजाद भारत में पहली बार, और हमारा जो आरपीएससी के हालात जो हमने देखे, क्या हालात हो गए, एक गांव में 200 पुलिस क्या बोले थानेदार बन रहे, और कांग्रेस के अध्यक्ष के परिवार से, और लगातार आरएस सेलेक्ट हो रहे हैं, यानी कि सारे पेपर आउट करना, 17 पेपर हुए, 17 के 17 पेपर आउट हो गए। ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? बेरोजगारी, इन युवाओं के साथ में खिलवाड़ किया है, युवा आक्रोशित है। मैं आपको कहता हूं, क्योंकि हम यात्रा में गए थे, युवा तैयार बैठा है कि कब चुनाव और कब जो है ब्याज सहित बदला अशोक गहलोत से कांग्रेस सरकार से ले। इसलिए बेरोजगारी, अरे भैया जी कहां गए जो आप कह रहे थे 3,500 रुपया आपके महीने में और इनके खाते में आएंगे? बेचारों ने खाते खोल दिए, लाइनें लगा लगा के खाते खोले, हमने देखा है। और उसके बाद एक पैसा भी किसी भी बेरोजगार युवा के खाते में नहीं गया। इसलिए मैं कह सकता हूं, या युवा त्रस्त है, भयंकर तम नाराज है, क्योंकि देश का युवा ही और निर्णायक होता है, और युवा नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ। अशोक जी तो बहुत सारी घोषणाएं कर रहे हैं, अभी बिजली फ्यूल सरचार्ज भी हटा दिया, तो फिर आप किस बात पे कह सकते हैं या किस मुद्दे पे कह सकते हैं कि जनता में आक्रोश? बहुत अच्छा किया आपने ये जो बिजली का मुद्दा लेके आए, अच्छा पूछा प्रश्न आपने। देखिए, 18 बार जिसने घोषणा पत्र में कहा कि मैं विद्युत दर नहीं बढ़ाऊंगा, लगातार 18 बार सरचार्ज के नाम पर पैसे बढ़ाते 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 जनता पर जो है इतना भार लाद दिया कि जबरदस्त आंदोलन हुए, भाजपा ने भी किए, गांव के अंदर खूब आंदोलन हुए, किसान त्रस्त हुए, और अब जाके कहते हैं कि हम सरचार्ज कम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लिमिटेड में करेंगे, बाकी सबसे वसूल करेंगे। इसलिए अशोक गहलोत जी इस भ्रम में ना रहे कि मैं ये 6 महीने के अंदर कुछ घोषणाएं करके लोग लुगावने नारे देकर कुछ बांटकर मुफ्त में बांटकर और जनता को बहका देंगे। जनता बहुत सावचेत है, मैं कहता हूं हम 200 रथ लेके गांव में गए थे, हर पंचायत स्थान पर जन आक्रोश यात्रा हमारी निकली थी, 1,28,000 और उसके अंदर शिकायत पेटी का डाली थी एक एक गांव से, और इतनी बड़ी शिकायत आई जिसमें सर्वाधिक शिकायतें कोई थी तो वो थी बिजली से संबंधित, वो थी भ्रष्टाचार से संबंधित। इन सबको जनता की आवाज को इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि भ्रष्टाचार, ये महाभ्रष्ट कांग्रेस सरकार को हम उखाड़ के फेंके। ओबीसी आरक्षण का एक दांव चल दिया अशोक गहलोत ने अपनी घोषणा में, ये भी शामिल कर दिया है, आपका प्रत्युत्तर? देखिए, कहने को तो कहते हैं अशोक गहलोत जी कानून जानते हैं और वकील भी रह चुके हैं, लेकिन जैसे इन्होंने ये मुद्दा उठाया, देश के और राजस्थान के विधि शास्त्री कानून विज्ञ बैठे और मीडिया में देखा होगा, स्पष्ट उन्होंने कहा कि क्या मजाक बना रहे हो, 50% से अधिक कोई भी कर नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इसलिए ये जो जादुई खेल है ना, ये चलने वाला नहीं है, जनता भोली नहीं है, जनता जानती है कि आप दे ही नहीं सकते, जो काम आप कर नहीं सकते, एक बार धोखा खा लिया, अब जनता बचेगी नहीं। आरक्षण के नाम पर
जनता को गुमराह करने का प्रयास अशोक जी कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं इसका कोई असर वोटर्स पर, ओबीसी मतदाताओं पर होने वाला नहीं है। ओबीसी का मतदाता भारतीय जनता पार्टी का पक्का वोट बैंक है। अशोक जी जो बयान दे रहे हैं उनसे ऐसा लगता है कि क्या वो वसुंधरा राजे के हिमायती हैं? आप क्या मानते हैं? देखिए, ये एक राजनीतिक इसको मैं मुद्दा मानता हूं। वसुंधरा राजे कदावर नेता है, हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। चलो ठीक बात है, अशोक जी मोदी जी के बारे में कुछ भी बोल ले, लेकिन एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हमारी एक बड़ी नेता के बारे में वो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अच्छी प्रशंसक बयान देते हैं, लेकिन इसके अंदर भी चाल है। क्योंकि वसुंधरा जी स्वयं स्टेटमेंट दे चुकी है कि ये जानबूझकर ये षड्यंत्र पूर्वक तरीके से और मेरे बारे में और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बोल रहे हैं, मैं इसका खंडन करती हूं और इसका विरोध करती हूं। ये राजनीतिक स्टेटमेंट है अशोक जी का, और कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। राजस्थान में बीजेपी में सब ठीक ठाक है? राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी एक मुखी है, एक साथ है, और सब हमारे नेता एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव की हम इंतजार में हैं, केवल बिगुल बजना है। जैसे ही शंखनाद होगा, भाजपा का हमारा 52,800 बूथों के अंदर सैनिक खड़े हैं। कोई संगठन किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास ऐसा नहीं है। अरे भैया, दुनिया की नंबर एक पार्टी है जिन्होंने अपना सर्वस्व जीवन लगाकर त्याग करके मेहनत करके निष्कलंक रहकर और कहूंगा कि निस्वार्थ भावना से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बूथ के अंदर तैनात है। निश्चित मान के चलो हमारे नेता सब एक मुखी है, हमारे कार्यकर्ता और निस्वार्थ भावना से देश की सेवा के लिए तत्पर है। ये क्यों है कि मोदी जी ने एक बात कही, फर्स्ट नेशन, पहला मेरा देश। अगर देश को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को लाना है और ऐसे भ्रष्ट कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकना। हिमाचल और कर्नाटक दो राज्यों की हार के बाद में क्या सबक लिया आप लोगों ने? देखिए, लोकतंत्र में चुनाव में हार जीत का क्रम चलता रहता है। भारतीय जनता पार्टी ने जनता के आदेश को शिरोधार्य करके और विपक्ष की प्रबल भूमिका और निभा रहे हैं। कर्नाटक के हालात देखिए, चूंकि मैं स्वयं वहां पर था, मेरा संपर्क वहां पर बहुत अच्छा है। अभी भी आज ही सवेरे फोन आया था, क्या स्थिति हो गई, कहां गई घोषणाएं उनकी, कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा कैसा हिमाचल में भी किया, दो तीन विषयों को लेकर के ये जनता को गुमराह करते हैं। एक बार जैसे राजस्थान की भोली भाली जनता को गुमराह किया, ठीक इसी प्रकार उन्होंने वहां भी अपना प्रयास किया। लेकिन हम कहते हैं कि उससे हमने ये कहा है कि जनता का आदेश सर्व स्वीकार है। इस बार अभी जो चुनाव 2023 में होंगे, संगठन की ताकत पर, जनता के आशीर्वाद पर और हमारे पास एक करिश्माई नेतृत्व मोदी जी जो है वो, प्लस हमारी पूरी टीम, पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व, पूरा प्रदेश का नेतृत्व, सब मिलकर के हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव निश्चित ही जीते। राजस्थान में बीजेपी कौन से मुद्दे लेकर जनता के बीच में जा रही है? देखिए, राजस्थान के, मैंने पहले भी कह दिया कि राजस्थान के मुद्दे इतने हैं कि हम क्या बताएं। जब हमने जन आक्रोश यात्रा निकाली तो जनता की तरफ से हमने मुद्दे इकट्ठे किए, 1,28,000 जो हमारी शिकायतें आई उसमें से हमने मुद्दे टटोले। उसी में से ये विषय आया कि ये महाभ्रष्ट कांग्रेस सरकार, भ्रष्टाचार का भयंकरतम मुद्दा, किसी भी विधेयक को उठा के लो कांग्रेस के अंदर, एक ही हिसाब किताब चलता है उनका, एक ही हिसाब चलता है। ये मिस्टर क्लीन जो कहता है ना, मैं तो बहुत ही प्रमाणिक हूं। अरे भैया, प्रमाणित हो तो 4.5 साल तक जनता की आपने चिंता नहीं की, और अब 5-4 महीने हुए, अब जो है वो घोषणा ये कर दिया वो कर दिया, उससे होने वाला नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा होगा वो होगा हमारा भ्रष्टाचारी का। कांग्रेस भ्रष्ट है ये सिद्ध हो चुकी है। नंबर दो, हमारे जो बेरोजगारी का, युवाओं के प्रति जो इन्होंने कृत्य किया है, एक दुष्कृत्य किया है, युवाओं के साथ बहुत जबरदस्त जो है इन्होंने चोट की है, तो युवा आक्रोशित है, युवा हमारे साथ है। अरे भाई, किसान को अब कह रहे हैं हम बिजली माफ करेंगे। अरे भैया, जब आपने वादा किया था कि हम चुनाव जीतते ही 10 दिन में हमारा बिजली माफ करेंगे, 1, 2, 3, 4 पहली कैबिनेट में हम आपको संपूर्ण ऋण से मुक्त कर देंगे, कुछ भी नहीं किया। इसलिए किसान भी तैयार बैठा है, किसान, युवा और भ्रष्टाचार, ये तीन बहुत बड़े मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के पास में है। उनको लेकर, इन पर जो नकाब पहन रखा है वो सब हम उतारेंगे, इनका असली क्रूर चेहरा जनता के सामने हम लाएंगे। एक सवाल, चूंकि आप जोधपुर से हैं, विधानसभा चुनाव है, आप सेंट्रल में भी रहे हैं, क्या इस बार विधानसभा चुनाव में जमीनी जंग करने का इरादा है? देखिए,
भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही जमीन जंग ही करती है। कभी भी भाजपा ने ऊपरी तौर पर जो है कभी लड़ाई नहीं लड़ी। जहां तक चुनाव का प्रश्न है, मैं आपको बताऊं, देश के प्रधानमंत्री जी कोई चुनाव हो, देश में कहीं चुनाव हो, अपनी पूरी ताकत, अपना जो राजधर्म निभाते हुए और पूरी शक्ति चुनाव में लगाते हैं। इसलिए जहां तक मैं चुनावी जमीनी चुनावी का प्रश्न है और भाजपा के अंदर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके अंदर सब यही कहेंगे कि भाई भाजपा चुनाव लड़ेगी, भाजपा टिकट देगी, भाजपा का हमारा जो एक सिस्टम है उसके अनुरूप भारतीय जनता पार्टी की चुनाव संचालन समिति है, चुनाव सिलेक्शन समिति है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, नीचे से हमारा जो जिला अध्यक्ष है और हमारी जो टीम है उनके साथ बैठकर भी बात होती है। इसलिए पूरी पारदर्शिता के साथ में जिसको भी भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, निश्चित तौर पर पूरी पार्टी साथ लगकर वहां कमल खिलेगा। आज मैं घोषणा आपके माध्यम से करता हूं, जोधपुर शहर की तीनों विधानसभा, तीनों की तीनों विधानसभा, ये मुख्यमंत्री जी बस नहीं सकते, इनको इस बार जाना पड़ेगा, निश्चित ही जाएंगे ये। इसलिए तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेगी, तीन कमल भारतीय जनता पार्टी के 2023 के अंदर खिलेंगे। 2023 में विधानसभा के चुनाव है और उसके बाद में लोकसभा के। पंचारिया ने बड़े ही तीखे प्रहार किए हैं कांग्रेस पर, अशोक गहलोत को भी नहीं बख्शा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। नमस्ते।